शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल को अब विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को कसरावत कांग्रेस विधायक सचिन यादव टैगोर पार्क में धरनारत कर्मचारियों के बीच पहुंचे और कर्मचारियों की मांग को लेकर जायज ठहराते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। विधायक यादव ने कर्मचारियों के बीच कहा कि जिस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत उनके पिता स्वर्गीय सुभाष यादव ने सहकारिता मंत्री रहते हुए की थी, उसे भाजपा की सरकार ने पिछले 20 सालों में कुचलने का प्रयास किया। वह इसे भी निजी हाथों में देना चाहती है, लेकिन हमारे सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी मेहनत ईमानदारी से इस आंदोलन को जारी रखते हुए सहकारिता को नई ऊंचाइयां दी है। स्वर्गीय पिताजी ने सहकारिता को गरीब किसान की सेवा का माध्यम बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सम्मानित किया गया है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है, उसके पीछे अगर किसी को छेड़ जाता है, तो तमाम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे कॉपरेटिव मूवमेंट से हमारे सोसाइटियों से जुड़े हुए जो साथी हैं, उन साथियों को भी जाता है। चाहे हमारा सेल्स का व्यक्ति हो, चाहे हमारा सोसाइटी का मैनेजर हो, चाहे हमारा अकाउंटेंट हो, तमाम साथी जितने भी हमारे सोसाइटी के सदस्य हैं, सोसाइटी के जो कर्मचारी साथी, उन कर्मचारियों का साथियों का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान हमारे कॉपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। भर्तियां करेंगे, अगस्त तक हम इतनी भर्तियां कर देंगे, आप वीडियो उठा करके देख लीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो मोबाइल का, व्हाट्सएप का जमाना है। एक एक चीज 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के, इनके नेताओं के भाषण उठा करके देख लीजिए कि जो वादे इनने करे हैं कि 1 लाख भर्ती हम अगस्त तक कर देंगे, आचार संहिता लगने से पहले हम भर्तियां कर देंगे। 2003 का भाषण उठा कर देख लीजिए और 2023 का भी जो भाषण गया है 4 महीने 6 महीने पहले का, वो भाषण उठा कर, और उसकी स्थिति क्या है? वही डाक के 3 पास, जो घोषणाएं होती हैं। अभी जैसे आप साथियों ने बताया मुझे कि 60% हमारे जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को, सोसाइटी के कर्मचारियों को जिला बैंक के केडर में नियुक्ति देने का प्रावधान आदेश 2 साल से चल। और जहां तक मुझे मालूम है, ये आदेश पहली बार नहीं हुआ है। आज चुनाव उठा करके पिछला चुनाव देख लो 18 का, उसके पहले भी शायद लगभग किस तरह की के आदेश आए होंगे। आप 2018 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, आप 2008 का उत्तर चुनाव उठाकर देख लीजिए। सिर्फ लोगों की भावनाओं से कैसे खेलना है, लोगों की के को कैसे मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना है, ये इनकी कुल मिलाकर के इनकी सोच, इनकी नियत। लोगों की समस्या का निराकरण कैसे हो, संस्थाएं कैसे आगे बढ़े, संस्थाएं कैसे आगे चले, संस्थाएं कैसे वृद्धि हो, अगर संस्थाएं होंगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कर्मचारी आगे बढ़ पाए। लेकिन उस दिशा में इन 20 वर्षों में कोई प्रयास, कोई पहल जो है सरकार के द्वारा, और ये दुर्भाग्य है कि इतनी सारी जो हमारी सेवा सरकारी हमारी जो संस्थाएं हैं, कॉपरेटिव की जो संस्थाएं थी, जो कॉपरेटिव मूवमेंट था, उस कॉपरेटिव मूवमेंट को पूर्ण रूप से बंद करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, इनका तो बस नहीं चलता है। एक तो हमारी जो सोसाइटियां हैं, इन सोसाइटियों का भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं, इनका बस नहीं चलता है, क्योंकि ये संस्थाएं सीधे सीधे गांव, किसान, गरीब से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर राशन वितरण का काम हमारे साथी करते हैं, बीज वितरण का काम हमारे साथी करते हैं, खाद वितरण का काम, महत्वपूर्ण काम, जो आज हमारे प्रदेश की जो 75% आबादी है, जो सीधे सीधे खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसको सेवा प्रदान करने का काम जो करती है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि इसको प्राइवेटाइज कर सकते। और इसीलिए एक मीठा जहर, स्लो पॉइजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्लो पॉइजन दे दे करके इन संस्थाओं को खत्म करने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से कर रही है। लेकिन ये हमारे किसानों, ये हमारे जो सोसाइटी में बैठे हमारे कर्मचारी साथी हैं, इन सभी लोगों की मेहनत और परिश्रम का नतीजा है कि इनके जो मंशाएं हैं, इनकी जो नियत, इनकी जो सोच है, उसके विपरीत हमारे लोग अपनी मेहनत परिश्रम से इन संस्थाओं को आज भी ना सिर्फ खड़ा करने का काम किया, उनको सोसाइटी को संचालित करने का काम किया जा रहा है, बल्कि हमारी ये संस्थाएं निरंतर जो है आगे बढ़ने का काम करके हमारे जो किसान साथी हैं, उन किसान साथियों को फिर से कदम से कदम मिलाकर के उनकी हर आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश और प्रयास हमारे साथ।
आप आंदोलन कर रहे हैं लगातार, सचिन यादव जी पहुंचे थे, किस प्रकार की मांगे और सचिन यादव जी ने क्या आपसे आश्वासन दिया? हमारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ की ओर से विगत 16 अगस्त से कलमबद्ध हड़ताल की जा रही पूरे प्रदेश में। आज माननीय कसरावद विधायक महोदय सचिन यादव जी हमारे बीच पधारे और हमारे सर पर उन्होंने सांत्वना का हाथ रखा है। जो हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हमें 60% कैडर भर्ती की जाए, जो किसी कारण से भोपाल से लेटर आने के बाद भी यहाँ बार बार दबाए जा रहे हैं, उस संबंध में थी। और ऐसी 11 सूत्री मांगे हैं जिनका निराकरण प्रदेश स्तर पर यदि नहीं होगा तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन अनवरत जारी रहेगी। बहुत प्रमुख मांगे यही है कि 60% जो कैडर भर्ती हो रही है वो बैंक से न लेकर, बाहर से न लेकर, सस्ता कर्मचारी को प्रमोशन देकर उन्हें अंदर किया जाए। ये महत्वपूर्ण सबसे पहली मांग है। उसके बाद ग्रेजुएटी, पीएफ और अन्य 11 सूत्री ऐसी मांगे हैं जो पूर्ण की जाएगी। संजय गुप्ता, खरगोन। सहकारी कर्मचारी जो काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, इनके बीच में पहुंचे, आपकी इनसे चर्चा भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विगत 20 वर्षों से इस गुंगी और बहरी सरकार के सामने हमारे सेवा सहकारी सोसाइटी के हमारे जो तमाम कर्मचारी साथी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना तो उनकी बातों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दे रही है और ना ही उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो, इस दिशा में कोई पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार हमारे जो किसान साथी उनको मजबूर होकर के जो है यहाँ पर आंदोलन उनको करना पड़ रहा है। आज हम सभी साथी उनके बीच में यहाँ पर आए हैं और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इनकी जो तमाम मांगे हैं उन तमाम मांगों को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में बैठ करके उन सभी समस्याओं को का निराकरण किस प्रकार से हो, हमारे कर्म जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कर्मचारी साथी हैं उनकी हितों की रक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम तमाम साथी मिलकर की कोशिश और प्रयास करेंगे। और स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे साथियों से हो पाएगा हम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के साथ बैठ करके भी हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कि सीधे सीधे हमारे प्रदेश के 75% जो आबादी है, हमारे जो किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, उनसे जुड़ी हुई संस्था हैं, ये जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो हमारी सेवा सहकारी सोसाइटी के साथियों के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, उनके भविष्य और उनके हितों की रक्षा करने का काम जो है हम सब साथी मिलकर के करेंगे। आरोप लगा कि सरकार जो है सोसाइटी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, निजीकरण करने का प्रयास। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए 20 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस के दौर में, स्वर्गीय पिताजी के जमाने में हमारे जो कॉपरेटिव आंदोलन था, उस कॉपरेटिव आंदोलन को, उस सहकारिता के मूवमेंट को हम शीर्ष पर ले जाने का काम स्वर्गीय पिताजी के जमाने पर हुआ था। आज ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं ये सब संस्थाएं जो है कांग्रेस के जमाने की, स्वर्गीय पिताजी के दौर की ये सब संस्थाएं खड़ी हुई हैं, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की निराशा के कारण, सरकार की मंशा, सरकार की सोच के कारण जो है हमारी ये संस्थाएं जो है लगातार हमारा जो कॉपरेटिव मूवमेंट है वो कॉपरेटिव मूवमेंट कहीं ना कहीं बैठ गया है। हमारी अनेक संस्थाएं जो हैं, सहकारिता संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बंद सी हो गई हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तो इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो 20 साल की ये निकम्मी और नकारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को घोषणा करके कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन सहकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की सोच जो है वो कॉपरेटिव के प्रति नहीं है, सहकारिता आंदोलन के प्रति नहीं है, और इसी के कारण जो है लगातार इतने 20 वर्षों से लगातार हमारे जो साथी लोग हैं वो जो अपनी छोटी छोटी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास या पहल नहीं हुआ है और ये सरकार की जो सोच है उस सोच को दृष्टिगत करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।